दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बेसिक पामिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 में लेकर के आए हैं और छठवीं कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस सातवीं कड़ी में हम आपको शुक्र वलय गर्डल ऑफ वीनस के बारे में बताने के लिए आए हैं। सबसे पहले हमने अब तक क्या-क्या जानकारियां ली हैं उसके बारे में एक फ्लैशबैक ले लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हम गर्डल ऑफ वीनस यानी शुक्र वलय, जिसे हम रेडिएशन लाइन के भी नाम से जानते हैं एडवांस्ड पामिस्ट्री में, इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो दोस्तों आप बने रहें हमारे इस वीडियो पर अंत तक देखने के लिए कि रेडिएशन लाइन कैसे कहते हैं गर्डल ऑफ वीनस को और क्या इसका इफेक्ट होता है। इन चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे पूरे वीडियो को देखें तो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम फ्लैशबैक में चलते हैं कि हमने क्या क्या सीखा अभी तक। तो दोस्तों ये लाइफ लाइन होती है, ये हमारा हार्ट लाइन होता है और ये हमारा सॉरी ये हेड लाइन होता है और ये हमारा ये हेड लाइन होता है, फिर से मैं बता दूं आपको, और ये जो होता है हार्ट लाइन होता है। ये तीनों को प्राइमरी लाइंस कहते हैं। इसके अलावा हमारे हाथ में एक फेट लाइन होती है, सन लाइन होती है, जो सन माउंट की ओर देखती है उसे सन लाइन कहते हैं। तीसरी सेकेंडरी लाइन बुध की रेखा होती है, मैरिज लाइन होती है, ये सारी सेकेंडरी लाइन्स हैं। उसके अलावा जो लाइन्स के बारे में हमने देखा था कल, हमने देखा था वो वाय लेशिविया लाइन, इसको असंयम रेखा भी कहते हैं, जो कि ये दोनों को शुक्र और चंद्र को जोड़ने का काम करता है। इतने लाइंस के बारे में हम अभी तक पढ़ चुके हैं। और दोस्तों माउंट्स कहाँ होता है और इसका सेटिंग्स कैसे होता है और फिंगर्स के बारे में आज हम थोड़ी सी और भी जानकारी ले लेते हैं। तो ये तर्जनी उंगली होती है, इसके नीचे के माउंट को हम गुरु पर्वत कहते हैं। ये मध्यमा उंगली होती है, इसके नीचे के माउंट को हम शनि पर्वत कहते हैं। ये अनामिका उंगली होती है, इसके नीचे के पर्वत को हम सूर्य पर्वत कहते हैं। ये कनिष्ठा उंगली होती है, इसके नीचे के पर्वत को हम बुद्ध पर्वत कहते हैं। ये जो लाइफ लाइन से घिरी हुई जो पर्वत होती है और अंगुष्ठ के नीचे होती है, इसे शुक्र पर्वत कहा जाता है। यह इनर मार्स का क्षेत्र है, ये आउटर मार्स का क्षेत्र है, यह चंद्र पर्वत कहलाता है, यह केतु का एरिया कहलाता है और ये राहु का एरिया कहलाता है। दोस्तों ड्राइंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अब तक ये सारे बेसिक्स थे लाइन्स के बारे में, माउंट्स के बारे में, फिंगर्स के बारे में, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने अभी तक सीखा है। तो दोस्तों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अभी आपको लेकर के चलते हैं सीधे गर्डल ऑफ वीनस पर यानी शुक्र वलय की ओर लेकर के चलते हैं। यह कहाँ स्थित होता है, इसको रेडिएशन लाइन क्यों कहते हैं और यह व्यक्ति में किस किस रूप में फॉर्म होता है, पूरी डिटेल्स रूप में हम इसको हम देखेंगे अभी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि गर्डल ऑफ वीनस हमारे हाथ में कहाँ पर पाया जाता है, यानी शुक्र वलय हमारे हाथ में कहाँ पर पाया जाता है। तो दोस्तों कभी कभी आप देखते होंगे कि गर्डल ऑफ वीनस जो है, जो लाइन अनामिका उंगली और कनिष्ठा उंगली के बीच से होकर के इस रूप में होती हुई तर्जनी उंगली के गुरु पर्वत और मध्यमा उंगली के शनि पर्वत के बीच की ओर जाती हो, तो इसे हम गर्डल ऑफ वीनस यानी शुक्र वलय कहते हैं। और सबसे पहले दोस्तों यह मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है यदि यह अर्धवलय के रूप में फॉर्म होता है। तो इस रूप में यदि ये फॉर्म होता है तो मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम देता है।
यदि शुक्र भले अस्पष्ट हो, उसमें कोई दोष नहीं हो, और हृदय रेखा भी अस्पष्ट हो, तो यह हमारे इच्छा पूर्ति को भी बताता है। और यदि हृदय रेखा टूटी फूटी हो और स्वच्छ स्वस्थ नहीं हो, तो यह हमें इस इमोशनल सेटबैक को भी दर्शाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लहरदार शुक्र बलय किस फॉर्म में होता है। यदि किसी का शुक्र बलय इस फॉर्म में होता है, तो यह उस व्यक्ति के अंदर नर्वसनेस को पैदा करता है। यह सेंटिमेंटल लिटी को दर्शाता है, यह निराशावादी को भी दर्शाता है, और यह किसी भी व्यक्ति को अनिर्णायक प्रवृत्ति का भी बनाता है, जो कि लहरदार शुक्र बलय का निगेटिव इफेक्ट्स होता है। यदि ये क्राउड शेप में होता है और ये स्वस्थ होता है, तो कई आर्टिस्ट की हाथों में भी इस तरह का शुक्र बलय देखा गया है। यानी कि इस तरह का शुक्र बलय यदि जिस व्यक्ति में होता है, तो वह एक अच्छा आर्टिस्ट बनने की ओर संकेत भी करता है। और यदि यह शुक्र बलय टूटा फूटा हो, स्वस्थ नहीं हो, तो यह भावुकता की ओर और कामुकता की ओर भी दिखाता है। और यह यदि शुक्र बलय छिछलेदार और स्पष्ट नहीं हो, तो प्यार में यह धोखा को भी दर्शाता है। और दोस्तों, इसकी आगे ही की ही कड़ी को हम लेकर के चलते हैं कि यदि यह शुक्र बलय फॉर्म होता है और यह हृदय रेखा से जुड़ा हुआ हो, तो इसका रिजल्ट्स क्या होता है। तो यदि शुक्र बलय बना हुआ हो किसी भी व्यक्ति के हाथ में और यदि यह हृदय रेखा से जुड़ी हुई हो, तो ऐसे व्यक्ति तो स्मार्ट होते हैं, परंतु अपने ही डिसीजन के कारण कभी-कभी इनको हानि झेलनी पड़ती है। तो इस स्थिति से ऐसे रेखा वाले को बचने की कोशिश करनी चाहिए। परंतु लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ में ये स्मूथ लाइफ को जीते हैं, यह भी एक अच्छाई होती है। और दूसरों पर ज़्यादा डिपेंडेंट होने के कारण ऐसे लोगों को धोखा मिलने की भी संभावना होती है। उसके अगली कड़ी में हम लोग चलते हैं और देखते हैं, यदि हेयर शिफ्ट में होता है, यदि इस तरह से हेयर शिफ्ट में भी फॉर्मेशन होता है शुक्र बलय का, तो यह व्यक्ति को एम्बिशियस तो बनाता है, परंतु यह व्यक्ति को उच्चतर पद पर पहुंचने में परेशान करता है, बाधाओं को पहुंचाता है। तो ऐसी रेखा वाले भी संभल कर रह सकते हैं और अपनी बाधाओं को पहचानते हुए उसको दरकिनार करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने गर्डल ऑफ वीनस यानी शुक्र बलय के बारे में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया, और गर्डल ऑफ वीनस कहाँ होता है इसके बारे में हमने जानकारी ली। और यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन हमसे छूट गई हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। और उसके पहले मैंने रेडिएशन लाइन के बारे में नहीं बताया, तो मैं रेडिएशन लाइन के भी बारे में बता देता हूँ कि ये रेडिएशन लाइन क्यों कहा जाता है। दोस्तों, जिन लोगों के हाथों में यह लाइन पाई जाती है, जनरली यह एडवांस्ड फार्मिस्ट्री में यह देखा गया है, यह मॉडर्न एरा में देखा गया है कि ऐसे लोग कंप्यूटर पे काम करने वाले, कंप्यूटर पर ज़्यादा काम करने वाले को हाथों में भी देखा गया है, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के हाथों में भी देखा गया है, जो कंप्यूटर पे अधिक देर तक वर्क करते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करते हैं, कंप्यूटर पे ज़्यादा देर रहकर वर्क करते हैं, उन लोगों के हाथों में भी यह गर्डल ऑफ वीनस देखा गया। तो इसे मॉडर्न एरा में
रेडिएशन लाइन का भी नाम दिया गया है। तो दोस्तों, गडल ऑफ वीनस के बारे में यह छोटी सी पॉइंट टू पॉइंट जानकारी थी हमारे तरफ से, और यह वीडियो गडल ऑफ वीनस के बारे में आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही जानकारी भरी नई वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसका एक लाइव एग्जाम्पल भी दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि गर्डल ऑफ वीनस रियल में किसी के हाथ में किस तरह से पाई जाती है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक हाथ को मैंने आपके सामने प्रदर्शित किया है। इसमें एक स्पष्ट शुक्र वलय बना हुआ है, और जिसे आपको मैंने ड्रॉ करके दिखाया है, यह एक स्पष्ट शुक्र वलय है, जिसे मैं हटा देता हूँ, फिर से आप देख सकते हैं। यह एक स्पष्ट शुक्र वलय है जिसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुक्र वलय के बारे में यह हमारी एक छोटी सी जानकारी दी गई है आपको, और यह जानकारी आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।